नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बरपा पुलिस का कहर, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी घायल। जेपी कंपनी मुद्दे की गूंज विधानसभा में गूंजी, कंपनी पर FIR की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया विधानसभा से वॉकआउट। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा भाजपा सरकार पूरी तरह से है भ्रष्टाचार में। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को शिमला में विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कहर बरपा। जिला उपायुक्त कार्यालय से विधानसभा की ओर से जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर AG चौक पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जैसे ही AG चौक के पास पहुंचे तो वहां मुस्तैद पुलिस जवान उन पर टूट पड़े। उधर पुलिस का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और वहां तैनात पुलिस जवानों के साथ भी उलझे। शिमला में बुधवार को एक बार फिर पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया। बुधवार को नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की रैली के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन की अगुवाई में विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस ने पहले ही इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए AG चौक के पास बैरिकेड लगा दिए थे। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता AG चौक के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। कांग्रेस का दावा है कि इस लाठीचार्ज से करीब 2 दर्जन से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सिर पर भी गहरी चोटें आई हुई हैं। उधर इस घटना की वीरभद्र सिंह ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जिस दौरान उन पर लाठी चार्ज किया गया। अभी तो हमारे लोगों ने बैरियर कुछ हुआ भी नहीं था, उसके लीक भी नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने बैरियर खोल दिया और वहाँ पर वो पहले तक्षेपर साहिब जो हमारी अग्रिम संति के लोग थे उनके ऊपर, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी और मेजरबान थे, और उसके बाद में टियर गैस इनकी डेमोक्रेसी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय से जुलूस के रूप में विधानसभा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फायर ब्रिगेड के वाहन से पानी की तेज बौछारें व आंसू गैस छोड़कर उन्हें तितर बितर करने की भी कोशिशें की। उधर पुलिस महकमे के IG AP सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर जबरदस्ती विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 रैलीज की परमिशन दी थी, एक हिलोपा और कांग्रेस को, इनको चौड़ा मैदान में, और कांग्रेस को 2 जगह दी थी, शेर पंजाब से CTO तक और एडवांस स्टडी तक। एडवांस स्टडी में तो कोई नहीं आया, बट इन्होंने जो है शेर पंजाब का CTO का वॉलेट करके पूरा मॉब जो है 5-6 हज़ार का वो यहाँ आ गया विधानसभा के गेट कैनेडी AG चौक, वहाँ पे आके नारेबाजी करने लगे और खड़े रहे। हमने वहाँ भी इनको, हालांकि इलीगल थे, हमने उनको टॉलरेट किया, लेकिन जब उन्होंने जो है उस बैरियर को तोड़ के विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश की तब भी हमने उसको रेजिस्ट किया लास्ट मोमेंट तक। फिर भी जब वो हमें लगा कि अब ये बैरियर टूट रहा है और हमारे लोग पीछे होने लगे और ये शोर मचा करके आगे बढ़ने लगे, तो हमने फिर ये पानी का जो है शावर छोड़ा उनके ऊपर और एक हल्का सा पूछ करके उनको पीछे हटा दिया। शिमला में पुलिस की एक घिनौनी करतूत सामने आई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पुलिस की इस करतूत को देखकर वहां मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए।
शिमला में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ पांव टूट गए तो कईयों के सिर पर गहरी चोट आई है। शिमला के एजी चौक पर जो मंजर देखने को मिला उसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। विधानसभा में बुधवार को जेपी कंपनी को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने सरकार से जेपी कंपनी पर एफआईआर करने की मांग की। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी भी की गई। विद्या स्टोक्स ने सदन में कहा कि सरकार जेपी कंपनी पर मेहरबान है और जेपी कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत जेपी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कही और कहा सरकार को कि एफआईआर आप क्यों नहीं करते, क्या खतरा है? इसका मतलब धूमल साहब दबाव में हैं, किसी दबाव में, या इनके कोई और खजाना खाला, इनका कोई खाता खुला हुआ है, और कोई खाता खुला हुआ है जिस वजह से वो दबाव कर रहे हैं। इसी मामले में 100 करोड़ जो अपने जेपी इंडस्ट्री के खिलाफ किया था कि भाई उन्होंने 100 करोड़ किसने, हाईकोर्ट ने उनको पेनलाइज किया है, अभी कभी दिन हो गए और वो कुछ ही नहीं करने जा रहे। कल भी हमने कहा उसी इश्यू पे हमने सारा झगड़ा हो रहा था, कल भी उन्होंने नहीं कुछ किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को सदन में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। प्रश्नकाल के दौरान सदन में विधायकों ने दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का मामला उठाया। प्रदेश में दैनिक भोगी मजदूरों की संख्या करीब 25,000 है। सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी प्रतिदिन 175 रुपए की है। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने दिहाड़ीदारों का मामला उठाया। विधायक रूप सिंह, विधायक गंगूराम मुसाफिर व राजेश धर्मानी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों की संख्या 25,000 है। जनवरी 2008 में दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी केवल 75 रुपए थी। वर्तमान सरकार ने इसे अब बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। विधायक डॉक्टर रामलाल मारकंडा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकार ने 3 सालों में करुणा मूलक आधार पर 539 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि सरकार ने बेटी है अनमोल योजना के तहत 22,332 परिवारों को लाभ दिया है। इस योजना के तहत 4,25,307 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विधायक खुशीराम बालनाटा ने ठियोग हाटकोटी रोहड़ू मार्ग का मामला उठाया। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सड़क का कार्य ग्लोबल टेंडर के तहत चीनी कंपनी को दिया गया था। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान बागवानों को कोई दिक्कतें ना आए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, जी एस बाली व राकेश पठानिया के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों में पहले ही ट्रोमा सेंटर खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत के मुताबिक और क्षेत्रों में भी ट्रोमा सेंटर खोलने का प्रयास कर रही है। विधायक बलदेव शर्मा व सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नादौन की 10 पंचायतों में से 8 पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों के लिए 54,72,560 रुपए की राशि मंजूर की गई है। उपेंद्र चौहान, 7C, हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह। राजधानी पहुंचते ही वीरभद्र सिंह भाजपा सरकार पर बरस पड़े। उपायुक्त कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और चुनाव निकट आते देख ये बिना बजट के अंधाधुंध घोषणाएं करने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश में सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिमला पहुंचते ही वीरभद्र सिंह भाजपा पर बरस पड़े। उपायुक्त कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है और चुनाव आते ही यह बिना किसी बजट के अंधाधुंध घोषणाएं कर रही है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे प्रदेश में चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वे सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलेंगे, सभी को मान सम्मान मिलेगा और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग चुनाव में एकजुट होकर काम करेंगे और भाजपा सरकार को उखाड़ बाहर फेंकेंगे। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में जाकर अपना पदभार ग्रहण किया।
इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने धारा 118 का उल्लंघन करते हुए प्रदेश को बेच डाला है और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है, विधानसभा चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स, प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी सहित अनेक विधायक भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।